इंडिया देख रहे हैं आप। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन में। यूपी के फतेहपुर जिले के वीआईपी रोड स्थित चेयरमैन राजकुमार मौर्य के कैंप कार्यालय में पहुंचे प्रगतिशील विश्व मौर्य परिषद अखंड भारत के प्रदेश उपाध्यक्ष आशीष सिंह मौर्य के नेतृत्व में नववर्ष मिलान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें नगर पालिका परिषद फतेहपुर के चेयरमैन राजकुमार मौर्य को फूलमाला पहनाकर नववर्ष की शुभकामनाएं दिया और इस नववर्ष में शपथ दिलाई गई कि नशे की आदि हो रहे युवकों को नशे से मुक्ति दिलाने का अभियान चलाया जाएगा और उन्हें रोजगार से जोड़कर बेरोजगारी दूर की जाएगी। जहां शहर में बेरोजगार युवकों का डाटा एकत्रित करके योजनाबद्ध तरीके से ये कार्य किया जाएगा। मैं फतेहपुर नगर के समस्त नगरवासियों को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं, नववर्ष की मंगल कामनाएं और ये फतेहपुर नगर के लिए आगामी सन 2024 सुखद हो, बेहतर भविष्य लाए, इसी कामनाओं के साथ सभी को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, मंगल कामनाएं। उज्जैन की टीम ने मंदसौर मंडी के लेखपाल को 20,000 की रिश्वत लेते पकड़ा। दरअसल शिकायतकर्ता रवि राठौर ने एएसपी ईओडब्ल्यू उज्जैन दिलीप सोनी को शिकायत की थी कि शिकायतकर्ताओं की फर्म पारस लाल राठौर प्रोपराइटर वाल्मीकि कंस्ट्रक्शन का कृषि उपज मंडी में सब्जी मंडी को साफ सफाई का कॉन्ट्रैक्ट जून 2023 में मंडी द्वारा स्वीकृत किया था। टेंडर के अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्टर के मासिक देय ने ना देते हुए आवेदक से 78,000 रुपए की रिश्वत को मांग आरोपी द्वारा की गई थी। आरोपी द्वारा दिनांक 3 जनवरी 2024 को आवेदक से 20,000 की रिश्वत की प्रथम किस्त की मांग की गई थी, जिसे दिनांक 3 जनवरी 2024 को ईओडब्ल्यू उज्जैन की टीम द्वारा दोपहर में रंगे हाथों पकड़ा गया और रिश्वत की राशि 20,000 रुपए बरामद की गई। हरिद्वार की रानीपुर कोतवाली पुलिस ने दोपहिया वाहन चोरी के दो शातिर चोर गिरफ्तार कर चोरी की 5 मोटरसाइकिल बरामद की है। आपको बता दें कि रानीपुर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत दादूपुर गोविंदपुर सलेमपुर निवासी दिलशाद और अनिल कुमार द्वारा उनकी बाइक चोरी होने के संबंध में मुकदमा दर्ज कराया गया था। वाहन चोरी की घटनाओं पर रोक लगाने और पूर्व में चोरी हुए वाहनों की बरामदी को एसएसपी हरिद्वार द्वारा कड़े निर्देश दिए गए हैं, जिसमें वाहन चोरों की गिरफ्तारी को गठित पुलिस टीम ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को चेक करते हुए शिवालिक नगर चौक से दो अभियुक्तों दानिश उर्फ सोनू और आरिफ को चोरी की बाइक के साथ दबोच लिया। गिरफ्तार आरोपियों को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है। कल रात दौरान चेकिंग दानिश और आरिफ दो व्यक्ति हैं, ये दोनों बाइक चोरी करते हैं। इनको हमने कल दौरान चेकिंग गिरफ्तार किया है। इनका जो कार्य क्षेत्र है वो रानीपुर सिटकुल और बहादुराबाद क्षेत्र है। इन लोगों से 5 बाइक्स बरामद हुई हैं, जिनके मैटर में 2 बाइक्स के तो मैटर में रानीपुर क्षेत्र में ही मुकदमा पंजीकृत है और बाकी 3 अन्य बाइक्स के बारे में कार्यवाही चल रही है। अब जल्दी हम फाइंड आउट कर लेंगे कि ये किस क्षेत्र की बाइक्स। ज्ञानवापी परिसर में हुए ASI सर्वे को सार्वजनिक करने की रिपोर्ट पर अब 4 जनवरी को सुनवाई होगी। वहीं जिला जज की अदालत में सुनवाई शुरू होने से पहले ASI की टीम की ओर से 4 सप्ताह और समय बढ़ाने की प्रार्थना पत्र दी गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में चल रहे मामले को लेकर सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक न करने के लिए जिला जज की अदालत से 4 सप्ताह और समय बढ़ाने की मांग की गई है, जिसकी सुनवाई जिला जज अजय कृष्ण विश्वे की अदालत में हुई। तो ASI को सील्ड रखा जाए, यहाँ जो है रिपोर्ट को सबमिट जो है खुले तौर पे किया जाए कि न किया जाए, क्योंकि एप्लीकेशन पड़ी हुई है। ASI के काउंसिल का एप्लीकेशन पड़ा है कि हाईकोर्ट में जो है चूंकि मामला चल रहा है, हाईकोर्ट ने कहा है कि सेम ASI सर्वे रिपोर्ट हाईकोर्ट में भी प्रस्तुत किया जाए, 610/11 जो उनका 91 है, तो उसको देखते हुए उन्होंने कहा कि 4 सप्ताह का समय दिए, 4 सप्ताह बाद इसको खोला गया। इस पे प्लस तहखाने पे प्लस मुस्लिम पक्ष का एक एप्लीकेशन पड़ा हुआ है कि मछलियों को जो है साफ सफाई, जो मर रही मछलियाँ वो साफ सफाई किया जाए, जो है तीनों मुद्दों पे कल जो है इस पे सुनवाई आर्डर जो है करेंगे।
आज ज्ञानवापी प्रकरण में जनपद न्यायाधीश वाराणसी के कोर्ट में 18 दिसंबर को एएसआई की रिपोर्ट सबमिट कर की गई थी। वह सभी पक्षकारों को इसकी कॉपी उपलब्ध करानी थी, परंतु एएसआई ने प्रार्थना पत्र दे के 4 सप्ताह का समय मांगा और उसमें निवेदन किया कि 19 दिसंबर को प्राचीन मुकदमा जो 1991 में चल रहा है, आदि विशेश्वर स्वयंभू भगवान काशी विश्वनाथ वर्सेज अंजुमन इंतजामिया मसाजिद के मामले में भी 19 दिसंबर को आदेश आ गया है एएसआई की, और जो शेष परिसर में कार्रवाई अवरुद्ध है बची हुई है। एटा के नगर अलीगंज में आज से श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ कलश यात्रा के साथ हो गया है। श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन श्री रघुनाथ कृपा भवन में हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कथावाचक आचार्य श्री मनोज अवस्थी के मुखार बिंदु से बड़ी संख्या में भक्त जन 3 जनवरी से 10 जनवरी तक इस धार्मिक महोत्सव में कथा का श्रवण कर पुण्य लाभ लेंगे। शोभा यात्रा के दौरान अलीगंज के भाजपा विधायक सत्यपाल सिंह राठौर, नगर पालिका परिषद अलीगंज अध्यक्ष के प्रतिनिधि सुजीत गुप्ता उर्फ बॉपी, कार्यक्रम के आयोजक अजय पाल सिंह उर्फ बंटी राठौर, नगर अध्यक्ष व्यापार प्रतिनिधि मंडल अलीगंज भानु राठौर, बहरोन सिंह अमीन के साथ बड़ी संख्या में पुरुष और महिलाएं भक्त उपस्थित रहे। ललितपुर जिला बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने चकबंदी अधिकारी पर न्यायिक प्रक्रिया के साथ खिलवाड़ करके खुलेआम भ्रष्टाचार में लिप्ता होने के आरोप लगाए हैं। साथ ही वकीलों ने मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए अपर जिलाधिकारी अंकुर श्रीवास्तव को ज्ञापन दिया है। वहीं बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कार्रवाई की मांग की है। किस संबंध में आज आपने निंदा प्रस्ताव? आज निंदा प्रस्ताव जो सीओ है, चकबंदी अधिकारी है, रमजान खान है कोई, तो वो वकीलों के साथ अभद्रता का व्यवहार कर रहे हैं। उन्होंने इस बात को रोका कि डायरेक्ट क्लाइंट से डीलिंग करके और आप अनुचित लाभ लेके एक पक्षीय तौर पर कार्रवाई कर रहे हैं। एक पक्षीय जो बिल्कुल डायरेक्ट डीलिंग कर रहे हैं ऑन कोर्ट, हम लोगों ने रोका कि ये हड़ताल चल रही है, इस संबंध में आप जो है, जिलाधिकारी महोदय ने भी सभी कोर्टों में ये आदेश दे दिए हैं कि कॉज लिस्ट बाहर लगाएं, और ये जो है ऑन के कलने में तो स्वयं तारीख दूंगा। महोबा में सर्विलांस पुलिस टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां टीम को 17 लाख कीमत के खोए मोबाइल फोन बरामद हुए हैं, जिनमें से 76 एंड्रॉइड मोबाइल बरामद हुए हैं। पुलिस ने आमजन के गुम हुए मोबाइलों को बरामद किया है। वहीं एसपी से मोबाइल पाकर लोगों के चेहरे खिल उठे। मामले को लेकर सर्विलांस पुलिस टीम की प्रशंसा हो रही है। समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्तियों तक सरकार की कल्याणकारी योजना का लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई विकसित भारत संकल्प यात्रा ग्रामीण सहित शहरी क्षेत्र में भी पहुंचकर लोगों को लाभ प्रदान कर रही है। इसी क्रम में वाराणसी की अजगरा विधानसभा क्षेत्र में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने पहुंचकर लाभार्थियों का हौसला बढ़ाया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की गरीब जनता को, गरीब किसान को, असहाय व्यक्तियों को अपना परिवार मानकर जन कल्याणकारी योजना तैयार करवाई, जिससे कि गरीब का, असहाय का, मजदूरों का कल्याण हो सके, सभी जन अपने परिवार के जीवन का निर्वाहन खुशी से कर सके। इसी क्रम में मोदी जी की गारंटी का रथ विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में आया है। ये बात क्षेत्रीय सांसद पुष्पेंद्र सिंह चंदेल ने चरखारी तहसील के ग्राम गौरहारी और भटेवरा कला में कही। सांसद चंदेल ने बताया कि मोदी जी पिछले 9 वर्षों से देश को विकसित करने में पूरे मनोयोग से लगे हुए हैं, और आपने देखा पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र में सड़क, बिजली, पानी, सुरक्षा सभी क्षेत्र में मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार में अद्वितीय विकास हुआ है। 50,000 करोड़ की लागत से केन बेतवा परियोजना का काम शुरू हो चुका है। निश्चित तौर पर इस योजना के माध्यम से बुंदेलखंड पानी से लबलबा हो जाएगा। मोदी जी ने जो कहा वो करके दिखाया, इसी प्रामाणिकता मोदी गारंटी रथ से सिद्ध होता है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से सरकार आपके घर आई है।
भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नमो ऐप डाउनलोड कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों को नमो ऐप डाउनलोड करवाया गया। नमो ऐप डाउनलोड कैंप और कंबल वितरण कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए महापौर डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने बताया कि आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नमो ऐप डाउनलोड कैंप और कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें लोगों को नमो ऐप डाउनलोड कराया गया है। साथ ही भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही भारत विकसित संकल्प यात्रा के तहत आने वाली योजनाओं के बारे में भी विस्तार से लोगों को बताया गया है, जिससे अधिक से अधिक संख्या में लोग सभी योजनाओं का लाभ ले सके। सरकार द्वारा सभी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जा रहा है। महापौर डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने भी बताया कि नमो ऐप डाउनलोड कैंप में जरूरतमंद लोगों को कड़ाके की ठंड को देखते हुए कंबल का भी वितरण किया गया। नमो ऐप डाउनलोड कैंप में भाजपा के कई पदाधिकारी और एक कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। आज अभी जो कार्यक्रम हो रहा है नगर निगम के द्वारा, जैसे आपने देखा है शीतलहर का प्रकोप बढ़ा है, तो नगर निगम सब लोगों की इस शीतलहर से बचाव के लिए कार्यरत है, जिसके क्रम में आप देख रहे हैं पूरे नगर निगम के क्षेत्रों में हर जगह हम लोग अलाव लगा रहे हैं, जिससे लोग जो श्रमिक हैं या ठंड के कारण जिनको प्रभावित हो रहे हैं वह जा सकें। हमारे जितने भी रैन बसेरे हैं उनकी व्यवस्थाओं को हम दुरुस्त किए हुए हैं और रोज़ रात को लगभग हर दिन बड़े अधिकारी जाके, नगर जाके, मैं स्वयं जाके हम लोग निरीक्षण कर रहे हैं। इसी क्रम में सभी वार्डों में कंबल का वितरण किया जा रहा है, जिससे जो लोग कम आय वर्ग के हैं उन लोगों को कंबल दिए जाएं और शीतलहर के प्रकोप से बचाया जाए। तो और भी अनेक कार्य प्रकोप से बचाव के लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।